आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है मर्टन का सामाजिक संरचना व विसंगति का सिद्धांत, रॉबर्ट मर्टन थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सामाजिक संरचना क्या है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स जो है वो मैं गूगल ड्राइव में डाल दूंगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ स्पेशल नोट्स मैं आपको बीच में बताऊंगी। तो सामाजिक संरचना क्या है? हम सब जानते हैं कि समाज जो है कोई एक खंड व्यवस्था नहीं है, इसके अनेक इकाइयों से मिलकर इसका निर्माण होता है, और ये इकाइयां समिति, संस्थाएं और कई सामाजिक एजेंसियां होती हैं। जिस प्रकार से हमारा शरीर भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से समाज की संरचना भी भिन्न भिन्न अंगों से होती है, किंतु केवल अंगों के सम्मिश्रण से ही समाज का या संरचना का निर्माण नहीं होता है। जिस प्रकार से शरीर की जो संरचना है उसका निर्माण भिन्न भिन्न अंगों से होता है, किंतु एक बात स्पष्ट है कि इन विभिन्न अंगों में के बीच में प्रकृतात्मक संबंध पाए जाते हैं, और इन संबंधों के आधार पर उसमें एक क्रमबद्धता उत्पन्न होती है। यह क्रमबद्धता ही सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है। ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, इसमें समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ परिवर्तन हमेशा होता रहता है, क्योंकि इसको बनाने वाले मनुष्य और मनुष्यों के विचारों में, उनकी भावनाओं में परिवर्तन होता है। पार्सन ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि सामाजिक संरचना पारस्परिक संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों का समूह है, जिनमें प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा भूमिकाओं के विशिष्ट व्यवस्थित रूप को कहते हैं। ये जो संस्थाएं हैं, समितियां हैं, इनमें जो निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है उसमें हर व्यक्ति की एक पद होता है, और पद के साथ उसकी भूमिका होती है, और प्रत्येक व्यक्ति की समाज ये ऐसा करता है कि वो अपने पद के अनुसार जो उसकी भूमिका है उसको पूरा करेगा, ताकि सामाजिक व्यवस्था जो है सामान्य रूप से क्या हो सके, गतिशील हो सके। इस तरह पार्सन ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि सामाजिक संरचना में अनेक अंग होते हैं, और इन अंगों में आपस में पारस्परिक संबंध स्थापित रहते हैं, जो समाज को एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं, जो समाज की एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक समाज के ये जो अंग होते हैं विभिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि हम देखें तो हिंदू समाज में विवाह संस्था, जाति प्रथा, धार्मिक कृत प्रथाएं, रूढ़ियाँ, आदर्श, विश्वास, परिवार में पिता और माता का स्थान, उनकी भूमिका, उनके कर्तव्य जो होते हैं सभी निर्धारित होते हैं, जो मिलकर हिंदू समाज को एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। तो पार्सन के अनुसार यही सामाजिक संरचना कहलाती है, जिसका विकास किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है, बल्कि ये सामाजिक अंतरक्रिया के दौरान स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं। तो मर्टन ने सामाजिक संरचना और विसंगति की स्थिति को किस प्रकार से स्पष्ट किया है, हम सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि सामाजिक संरचना का विकास जो है व्यक्तियों के बीच जो अंतर क्रियाएँ होती हैं उन अंतर क्रियाओं के द्वारा ही स्वतः हो जाता है। इस तरह माना जाता है कि मानव स्वयं संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। उसके व्यक्तित्व और उसके कार्य पर सामाजिक संरचना का हमें प्रभाव दिखाई देता है। अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना एवं विसंगति एनोमी के संबंध में अपने विचार स्पष्ट किए हैं, जिसमें से दुखी का स्थान मुख्य रूप से लिया जाता है। उनका कथन है कि सामाजिक संरचना या समाज का व्यक्ति पर केवल स्वास्थ्य ही प्रभाव नहीं पड़ता है, वरन उसके व्यक्तित्व पर उसका कई बार अस्वस्थ प्रभाव भी पड़ता है।
और इसी आश्वस्त प्रभाव के द्वारा वो जिस प्रकार की क्रिया करता है उसी को डेबिएंट या विसंगति की स्थिति या नियमहीनता की स्थिति कहा जाता है। और इस नियमहीनता के कारण ही कई बार हम देखते हैं कि इसका एक विकराल रूप जो होता है आत्महत्या के रूप में हमें दिखाई देता है। तो दुखिम के विचारों को आगे बढ़ाने का काम मर्टन ने किया। उनके अनुसार जो परंपरावादी समाजशास्त्री थे उनका अभी तक ये मानना था कि विसंगति या नियमहीनता की जो स्थिति होती है वे जन्मजात होती है। व्यक्ति में प्राणी शास्त्रीय तत्व इस प्रकार के होते हैं कि वो हमेशा समाज के विरुद्ध कार्य करता है। किंतु मर्टन ने कहा कि ये जो परंपरावादी विचारधारा है ये विचारधारा पूरी तौर से सही नहीं है। हमें विसंगति या नियमहीनता के कारणों को समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था में ही देखना होगा। तो मार्टिन ने जो डेबियंस की व्याख्या की है उसका कहना है कि डेबियंस मीन्स विसंगति वह स्थिति है जब व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है। जैसा कि उसने अपने मत के द्वारा स्पष्ट किया है, उसने बताया है कि समाज में दो मुख्य रूप से दो लक्ष्य तत्व होते हैं, पहला सांस्कृतिक लक्ष्य और दूसरा जो है संस्थागत प्रतिमान। मार्टन का कहना है कि सांस्कृतिक लक्ष्य जो होते हैं वो सामान्य मनुष्य की भावनाओं एवं प्रतिनिधि प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्ति का जीवन जो है लक्ष्यहीन नहीं होता है, उसके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, अनेक उसकी आवश्यकताएं होती हैं, किंतु इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक संरचना के अंतर्गत धर्म, सामाजिक मूल, आदर्श, परंपराओं का निर्माण किया जाता है जो मानव की अंतर्क्रिया के दौरान स्वतः ही हो जाती हैं। और समाज ये चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इन सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति इन समाज सांस्कृतिक लक्ष्यों के द्वारा ही करे, क्योंकि ये विचार किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, इसमें जन साधारण का मत जो होता है निर्मित रहता है। दूसरा जो है संस्थागत प्रतिमान, सामाजिक संरचना का जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है मर्टन के अनुसार संस्थागत प्रतिमान। ये प्रतिमान व्यवहार के वेद स्वीकृत तरीके होते हैं जो सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज द्वारा सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्थापित होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति से समाज ये आशा करता है कि वो इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर अपने सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति करेगा। तो मर्टन के कथनानुसार जब सामाजिक रचना के ये दोनों तत्व, कौन से तत्व, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत प्रतिमान, ये दोनों में सामंजस्य बना रहता है जब तक व्यक्ति सामाजिक संरचना के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तब तक समाज में विसंगति की स्थिति या नियमहीनता की स्थिति नहीं पनप पाती है। किंतु जब इन दोनों लक्ष्यों में, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत प्रतिमानों में असमंजस स्थापित होता है, उत्पन्न हो जाता है, तब नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के स्वरूप हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत ये माना गया है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किया जाता है। किंतु जब जमीनी स्तर पर युवा वर्ग देखता है कि परिस्थिति जो है वो इससे भिन्न है, धनी व सत्तासीन जो लोग होते हैं उनके पास जो धन है वो बढ़ता जा रहा है और सामान्य जनता जो है निर्धन होती जा रही है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक आदर्श नियमों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्यों को अपने तरीके से प्राप्त करने के साधन ढूंढने लगता है। यही स्थिति विसंगति या नियमहीनता कहलाती है।
वह चोरी करता है, डाका डालता है, गबन करता है, जालसाही करता है और धन इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो इन लोगों के बराबर खड़ा हो सके। तो इससे स्पष्ट होता है कि नियमहीनता या विसंगति के कारण समाज की सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना में ही विद्यमान रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विसंगति के क्या कारण हैं? इसका उत्तर मर्टन ने अपने सिद्धांत में देने की कोशिश की है। उनका मानना है कि जब सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत प्रतिमानों में भिन्नता दिखाई देती है तभी नियमहीनता की स्थिति निर्मित होती है, जो इस प्रकार से समझी जा सकती है। पहला, सांस्कृतिक कारकों में भिन्नता। जैसे हम भारत को उदाहरण लें तो हम जानते हैं कि भारत एक विशालकाय देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति दिखाई देती है। यदि इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो हम पाते हैं कि इसमें बहुत अंतर है। उदाहरण स्वरूप, ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहर के छात्र बड़े शहर में पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें छोटे शहर का कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं और इस प्रकार से वो अपने को उस समाज से कटा हुआ समझते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यही स्थिति नियमहीनता का आरंभ करती है। दूसरा जो है, समाजीकरण का अर्थ। समाजीकरण जो है, इस समाजीकरण में जो भिन्नता है उसका आधार भी यही है कि परिवार जो होता है वो समाजीकरण का मुख्य आधारशिला होते हैं और प्रत्येक परिवार की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, मूल्य होते हैं और उन मूल्यों के आधार पर एक व्यक्ति का स्वाभाविक व्यक्ति का विकास होता है और इस प्रकार से हर परिवार के व्यक्तित्व में हमें भिन्नता दिखाई देती है। यदि हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें तो हम देखते हैं कि विवाह के बाद जब एक लड़की अपने ससुराल जाती है वहाँ पर जो लोग उसको मिलते हैं वो उनका व्यक्तित्व और इस लड़की का व्यक्तित्व जो होता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। उनका समाजीकरण भिन्न भिन्न वातावरण में होता है। उस वातावरण में उस लड़की को अनुकूलन करना पड़ता है और यदि वो अनुकूलन नहीं कर पाती है तब हम देखते हैं कि नियमहीनता या विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से पारिवारिक मूल्यों में भिन्नता। पारिवारिक मूल्य जो हैं, हर परिवार के अपने मूल्य होते हैं। किसी परिवार में बेटा बेटी के बीच में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता है, परंतु कोई परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पुरुष प्रधान परिवार जिन्हें हम कह सकते हैं और वहाँ ऐसे परिवारों में लड़कियों को वो स्थान नहीं मिलता है जिसकी वो वास्तव में हकदार होती हैं। अभी कल ही मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि लड़कियों ने इस बात की रिपोर्ट की है कि माता पिता उनको मोबाइल जो है वो बहुत कम समय के लिए देते हैं, भाई को ज़्यादा समय तक देते हैं, इसलिए उसकी पढ़ाई हो जाती है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार का जो विभेदीकरण है उसके कारण भी नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा जो कारण है, आर्थिक सामाजिक अवसरों में भिन्नता। आर्थिक सामाजिक अवसरों में भिन्नता जो है उसका भी एक कारण नियमहीनता को जन्म देता है, क्योंकि हम पाते हैं आप लोग ही सब विद्यार्थी अभी ट्यूशन ले रहे हैं, कोई IAS बनना चाहता है, कोई बैंक ऑफिसर बनना चाहता है, कोई CA की तैयारी कर रहा है और आप देखते हैं कि वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति जो है एक दूसरे से भिन्न है और जब रिजल्ट आता है तो विद्यार्थी ये पाते हैं कि जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से स्ट्रांग था, मजबूत था, उसने टॉप कर लिया। तो ये विद्यार्थियों के बीच में जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उसके कारण भी नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए मार्टिन कहता है कि सामाजिक विसंगति के जो कारण हैं उन्हें हमें प्राणीशास्त्रीय आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में ही ढूंढना होगा। मार्टिन का कहना है कि व्यक्तित्व के विकास में यदि किसी प्रकार की रुकावट आती है तो उससे
या विभेदीकरण होता है तो उससे भी नियमहीनता उत्पन्न होती है। परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि नियमहीनता हमेशा गलत नहीं होती है, उसमें भी कुछ वैधता होती है। तो ये जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया है, इसमें से हमेशा किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें।